फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस मंत्र में। इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे NCERT क्लास फिफ्थ के EVS के बारे में। तो दो चैप्टर ऑलरेडी आपको बताए जा चुके हैं और थर्ड चैप्टर है चखने से पचने तक। तो चखने से पचने तक की बात हम लोग यहाँ करेंगे इस चैप्टर में। और आप लोग जो पिछले चैप्टर हैं उनको देख लीजिएगा, जो प्लेलिस्ट में NCERT से बनी हुई एक लिस्ट है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आप और भी जो वीडियोस हैं सीटेट से संबंधित हैं आप डाल सकते हैं और देख सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन काफी बेहतर होगी। और आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखिए और चलिए देख लेते हैं कि कौन सा जो चखने से पचने तक है इसमें क्या कहा गया है। आप सभी जानते हैं कि 30 नंबर का जो एनवायरनमेंट का पेपर होता है उसमें 15 मार्क्स का पेडागोजी आता है एंड 15 मार्क्स का आपका EVS से रिलेटेड होता है। आपकी बुक्स से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फटाफट से पढ़िए, जिसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है इस वाले चैप्टर में, फिर भी हम आपको लेकर के चलते हैं और मेन पॉइंट की तरफ। मेन पॉइंट इसमें क्या है, स्वाद ही स्वाद में इसमें बताया गया है कि जो झुंपा है रसोई में गई और माँ से लिपट कर बोली, माँ मैं नहीं खाऊंगी कड़वे करेले, मुझे तो तुम गुड़ और रोटी दो। क्योंकि वहाँ चखने से स्वाद तक है। माँ ने हंसते हुए कहा, कितना मीठा खाओगी तुम भी, तो तुमने चीनी वाली रोटी खाई है। तो इसमें अभी फिलहाल में ऐसी इसी तरह की कहानी बताई गई है, तुम बोर नहीं होती हो एक ही तरह के स्वाद की चीजें खाकर। झूलन ने झुंपा को चढ़ाते हुए कहा, झुंपा तपाक से बोली, तुम बोर हो जाती हो क्या, इमली चाटते चाटते जरूर नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया। तो देखिए इमली होती है स्वाद खट्टा होता है, गुड़ होता है मीठा स्वाद होता है इसका। झूलन बोली, मैं मीठा भी खाती हूँ नमकीन भी खाती हूँ, हाँ इमली मुझे बहुत ही पसंद है पर मैं करेला भी खा लेती हूँ। यह कहकर झूलन ने माँ को देखा और दोनों जोर से हंस पड़े। झूलन झुंपा से बोली, चलो एक खेल खेलते हैं, मैं तुम्हारे मुंह में खाने की कोई चीज रखूंगी, तुम्हें आंखें बंद करके इसे पहचानना होगा। झूलन ने झुंपा से जो झूला ने चम्मच से नींबू के रस की कुछ बूंदें ली और झुंपा को चखाई। इसके बाद क्या होता है, नींबू झुंपा फट से बोली, फिर झूलन ने गुड़ की डली हुई जो डली उठाई तो माँ बोली, पीस कर खिलाओ नहीं तो फट जा पहचान लेगी। झूलन ने थोड़ा सा गुड़ पीस कर झुंपा को चखाया तो उसने पहचान लिया। इस तरह झुंपा ने कई चीजें पहचान ली, किस तरह का स्वाद किस में होता है ये उसने पहचान लिया। तो अब हम लोग इसके मेन पॉइंट पर चलते हैं, क्योंकि किसी कई चीजें होती हैं उनका स्वाद खट्टा होता है मीठा होता है। तो आप सभी इसको पढ़ चुके होंगे, बुक्स पढ़ा होगा, मैंने सिर्फ मेन पॉइंट पर चलते हैं। आंखें बंद करके स्वाद पहचानो, तो ऑब्वियसली जब आप जिस चीज को खा चुके होंगे तो मीठा स्वाद आप आंख बंद के जान जाएंगे और जो खट्टा स्वाद होता है वो भी आप आंख बंद करके ही पहचान जाएंगे। तो फिर देखिए इसमें शिक्षक संकेत, आंख बंद करके स्वाद पहचानो में बच्चों को आंखें खाने की चीजें एक ही तरीके से पीस कर खिलाने से चीजें आसानी से पहचानी नहीं जाएंगी। बच्चों को अलग अलग खाने की चीजों के स्वाद बताने और नए शब्द ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करें। अलग अलग स्वादों के मेल जैसे खट्टा मीठा तीखा चटपटा पर चर्चा करने से बच्चे खाने में इतनी विविधता को समझ पाएंगे। ये शिक्षक को करना चाहिए, बच्चों से ज्यादा एक्टिविटीज करानी चाहिए। तो इसके बाद देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, रोटी का टुकड़ा कुछ चावल मुंह में डालो और 30 से 32 बार चबा चबा कर खाओ। मतलब कि चबा कर खाने के लिए 30 से 32 बार तक चबाने की प्रोसेस करनी चाहिए। इसके बाद आगे देखिए, आगे इसमें फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षक संकेत पढ़ लीजिए, अगले प्रश्न में बच्चों को अपने शरीर में खाने के रास्ते का चित्र बनाकर दिखाने का उद्देश्य उन्हें पाचन तंत्र बताना नहीं है। कोशिश करें कि बच्चे अपने खुद के विचार बताएं व उनका चित्र बनाएं, बच्चों की कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित करें जिससे उन्हें ज्ञान सृजन के मौके मिले। उन्हें एक दूसरे के चित्र देखकर उन पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो कल्पना करें, उन्हें कल्पना करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर देखिए दिल की बात, तुम्हें क्या लगता है शरीर में खाना कहाँ कहाँ हो जाता है, कहाँ कहाँ जाता जाता है। दिए गए चित्र में खाना
जाने का रास्ता अपने मन में बनाओ। तो बच्चों को इस तरह से चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है कि बच्चा खाना कहाँ से खाते हैं, किस प्रकार से पचता है। आप देखिए, नीतू को चढ़ाया गया ग्लूकोज, नीतू को पूरा दिन लगातार उल्टी होती रही, साथ में दस्त भी लग गए। उफ, कुछ भी खाओ या पियो तो उल्टी हो जाती थी, तो उसका खाना नहीं पचा, उसको कुछ समस्या हो गई। इसके आगे अभी इसमें कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है, तो बस थोड़ा सा ये देखिए, क्या तुमने कभी ग्लूकोज का नाम सुना है या लिखा हुआ है, देखा है तो कहाँ देखा है? तो शिक्षक संकेत को क्या करना चाहिए, टीचर्स को क्या करना चाहिए, ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर में कैसे ताकत देता है, ग्लूकोज का क्या काम होता है बच्चों को, ये बच्चों के लिए सिर्फ एक इमेजिन है, अमूर्त है, तो बच्चों को ये बात बतानी चाहिए और उनका रिलेशन बताना चाहिए। अगला देखिए, क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में कभी किसी को ग्लूकोज चढ़ाया गया है, कब और क्यों, उसके बारे में सभी साथियों को बताओ, बच्चों को प्रोत्साहित करो और उनको ये इस बारे में जानकारी दीजिए। इसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं दिया है जो आपके इसके क्वेश्चन यहाँ से आ सके, तो कहानी पेट में झांका जाने की। तो यहाँ पर जो मुझे पॉइंट मिला है वो सिर्फ एक इतना ही पॉइंट मिला है कि हमारे जो पेट के अंदर का तापमान होता है वो लगभग 30 सेंटीग्रेड होता है। तो हमारे पेट के अंदर का तापमान लगभग 30 सेंटीग्रेड होता है, और बस यही पॉइंट मुझे यहाँ पर निकल के आया, तो आप भी इसको नोट डाउन कर लीजिए या याद कर लीजिए। अगला देखिए, अगला ये एक सारणी तालिका दी हुई है जिसमें जिसमें ये बताया हुआ है कि कच्चा दूध 2 घंटे 15 मिनट में पकता है और उबला दूध 2 घंटे में, पूरी तरह उबला अंडा 3 घंटे 30 मिनट में, कम उबला अंडा 3 घंटे में, कच्चा अंडा फेटा हुआ 2 घंटे में, कच्चा दूध 1 घंटा 30 मिनट में, और ये ग्लास के पाचक रस के रूप में। तो ये आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चलिए स्क्रीनशॉट अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। और देखिए इसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा और भी है, तो देखते हैं, जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है, वे यह भी देख पाए, मार्टिन दुखी और परेशान होता है तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता है। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस एसिड अम्ल की तरह होता है। तो देखिए, पाचक रस जो होता है ये होता है एसिड अम्ल की तरह होता है। क्या तुमने किसी को कहते सुना है कि पेट में एसिडिटी हो गई, खासकर यह ठीक से खाना नहीं खाया हो या पचाया हो? तो उसकी वैज्ञानिक खोज को दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने सराहा, फिर कितने ही अन्य प्रयोग दुनिया के कोने कोने में किए गए। क्या कहा तुमने, पेट में गोली मार कर? नहीं भाई, बाद में उन्होंने होने वाले ये प्रयोग किसी के पेट में गोली मार कर नहीं किए गए, ये प्रयोग दूसरे वैज्ञानिकों ने मशीनों की सहायता से किए। तो कहाँ कैसी मार्टिन के पेट और तुम्हारे पेट की कहानी। तो मार्टिन के बारे में इसमें बताया गया है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होने की संभावना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे शिक्षक संकेत में, इसी सच्ची कहानी में बच्चे वैज्ञानिकों के काम करने के लिए व्यवस्थित तरीके और विज्ञान के इतिहास की रोचक दास्ता पढ़ेंगे। बच्चों से यह अपेक्षा नहीं है कि वे पूरी तरह से पाचन क्रिया को समझ पाए, पेट क्या होता है, आंतें क्या करती हैं, ये सब भी बड़े होकर जान जाएंगे। तो बच्चे को ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज करने का मौका दिया जाना चाहिए। इसके बाद देखिए, सही खाना और सही सेहत, डॉक्टर अपर्णा के पास इलाज के लिए दो बच्चे आए, रश्मि और कैलाश। दोनों बच्चों ने डॉक्टर अपर्णा से बातचीत की, बातचीत से कुछ जानकारी मिली, नीचे दी गई थी। इसके बाद देखिए फिर यहाँ पर क्या कहा गया है अगले पॉइंट में, 5 साल, रश्मि 5 साल, 3 साल की लगती है, हाथ पैर पतले हैं, पेट फूला है, अक्सर बीमार रहती है। कैलाश 7 साल का है, उम्र से में बड़ा है, शरीर मोटा थुलथुला है, तो पैरों में दर्द रहता है, फुर्ती से कोई। तो यहाँ पर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिया गया है जिसे कि क्वेश्चन आपसे पुट अप हो, ये तो बच्चों के लिए है, सीखने के लिए है। तो फ्रेंड्स देखिए, भरपेट खाना नहीं, बच्चों का हक है, सभी बच्चों का हक है, बच्चों को खाना खाना चाहिए, भरपेट खाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर उड़ीसा के कालाहांडी जिले में, तो अब एक क्वेश्चन यहाँ से अब आपको ये मिल जाएगा कि जो कालाहांडी है वो कहाँ पर है। तो सबसे पहले आप इसको ये याद करिए, उड़ीसा के कालाहांडी जिले के बारे में पढ़ो। तो कालाहांडी कहाँ है, कभी कभी आपको पेयर बनाने को भी आ जाता है, तो कालाहांडी उड़ीसा में है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कालाहांडी जिला उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, 3 साल की गोमती किसी बड़े किसान के खेत में मजदूरी करती है, इस मेहनत की उसे बहुत कम मजदूरी मिलती है, इन पैसों से वह पेट भर अनाज भी नहीं खरीद पाती है, कई महीने तक उसे काम भी नहीं मिलता, फिर जंगल में पेड़ों की पत्तियां या जड़ें
उठाकर काम चलाना पड़ता है। इसी के कारण अब गोमती के बच्चे बीमार पड़े हुए हैं। तो देखिए ये यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं बन रहा है जो आपको क्वेश्चन आ सके आपका, तो इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं फटाफट से। ये बस इतना जो था ये आपका चैप्टर का एंड था। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में आपको 2 से 3 पॉइंट ही मिले होंगे, तो आप चाहें तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं और आपकी ये एक थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है। और हम फोर्थ चैप्टर भी आपको लेकर के आएंगे। देखिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो 15 क्वेश्चन के लिए आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट। आप लोगों ने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हो सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।